जामिया और एएमयू हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक जांच से इनकार, याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। कहा न्यायिक जांच पर फैसला लेने को हाईकोर्ट स्वतंत्र, अलग अलग जगहों पर घटनाएं इसलिए जांच का आदेश नहीं। दिल्ली का एम्स भी जामिया के छात्रों के समर्थन में आया। जामिया हिंसा के खिलाफ देशभर के 30 से ज्यादा कॉलेज कैंपसों में विरोध प्रदर्शन जारी। जामिया हिंसा मामले में पुलिस ने जामिया इलाके से 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में एक भी स्टूडेंट शामिल नहीं, वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी। यूपी के संवेदनशील जिलों में इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। नागरिकता कानून पर विपक्ष एकजुट, मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। असम के डीजीपी ने कहा, स्थिति अब कंट्रोल में। पुलिस की कार्रवाई में 4 लोगों की मौत हुई, 136 केस दर्ज, 190 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। अर्थव्यवस्था कुछ हटका, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जीडीपी का अनुमान घटाया। पाकिस्तान की विशेष कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई। और भारत दौरे के लिए वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मार्नस लाबुशाने पहली बार वनडे टीम में शामिल। वर्ल्ड कप में खेले 7 खिलाड़ी टीम से बाहर।